मैं तुम्हें क्वेश्चन भेज दिया बेटा, ठीक है? तो जो सीबीएसई वाले क्वेश्चन है वो तुम्हें करने हैं बेटा। स्टार्टिंग के 15-20 क्वेश्चन है जो आप कर पाओगे, ठीक है? कर लोगे बेटा? मैंने क्वेश्चन भेज दिए ग्रुप में, पुराने सीबीएसई क्वेश्चन है वो कर लेना बेटा, ठीक है? ओके सर, ओके। डाउट मैं ले लूंगा, जब तुम कर लोगे तो डाउट ले लूंगा, बता देना जिस दिन तुम कर लो, मैं डाउट ले लूंगा। चलो सुनो, तो बेटा हमने बात कर ली थी हेलिकल पाथ, कल देखा था हम लोगों ने, फोन में आया था हेलिकल पाथ बेटा। यस सर। तो हेलिकल पाथ का फंडा क्या था बता मेरे को, क्या फंडा था हेलिकल पाथ, कब बनता है? सर जब मतलब अब कैसे बताऊं, वो जब देख पहले पहले तो मतलब एंगल होता, एक्सिस में भी होती है ना, जब स्पीड जेड एक्सिस में भी होती है, वो सर्कल बनाते बनाते ऊपर चला जाता है तो स्प्रिंग की शेप बन जाती है। हाँ वो तेरे पास सही है, लेकिन कंडीशन पता है, पूछता है कि हेलिकल पाथ कब बनेगा, तो आपको पता होना चाहिए कि वी और बी में। पहली चीज देखो, पाथ कैसा बनेगा वो डिपेंड करता है वी और बी के एंगल के बीच में, ठीक है? अगर वी और बी का एंगल मेरे पास जो है ना वो 0 या 180 है, तो बेटा पाथ कैसा बनेगा, स्ट्रेट बनेगा। हाँ सर्कल बनेगा, स्ट्रेट बनेगा, 0 और 180 में स्ट्रेट फोर्स नहीं लगती बेटा, अच्छा 0 और 180 में, सर। 90 में सर्कल बनता है। अब इन तीनों को छोड़ दें, 0 को छोड़ दें, 180 को छोड़ दें और 90 को छोड़ दें, तो जो बचता है बेटा वो एंगल, उस पर क्या बनता है, हेलिकल पाथ बनता है, ठीक है? हेलिकल पाथ का रेडियस जैसे मान लो ये बी था और ये बी था मेरे पास मान लो, और एंगल थीटा था बेटा मान लो, तो बेटा कौन सा कंपोनेंट जो है वो सर्कल में घुमाएगा और कौन आगे चलाएगा? इधर कंपोनेंट करो बी कॉस थीटा बेटा मानते हो, इधर कंपोनेंट करो क्या बनेगा, वी साइन थीटा। तो कौन सा कंपोनेंट घुमाएगा सर्कल में? सर्कल में तो वी कॉस थीटा घुमाएगा, ऊपर हेलिकल पाथ के लिए वी साइन थीटा काम तो करेगा। मारो कान पे तेरे, क्या सही बोल रहा है, बोला सर। उल्टा बोल गया भाई? बी के 90 पे कौन होता, बी साइन या बी कॉस? किसके बी के 90 पे तो वी साइन थीटा है, हाँ तो फिर जो 90 पे होता है वो सर्कल घुमाता भाई साहब, वही तो बोला सर मैंने, और तूने क्या उल्टा बोला। बोला भाई, तूने सॉरी उल्टा, सर, ध्यान सुन, तू वी साइन थीटा, खुशबू ने सही लिखा है, चैट बॉक्स लिखा था खुशबू ने, तो वी साइन थीटा घुमाएगा सर्कल में बेटा, उल्टा बोल गया बेटा, ध्यान ध्यान दे, और वी कॉस थीटा आगे ले जाएगा। रेडियस का फॉर्मूला क्या था बेटा, एम वी बाई क्यू वी मानते हो, तो वी कौन सा लूं जो सर्कल में घुमाया वही लूंगा, सिंपल सी बात है, सर्कल में कौन घुमा रहा है, ऊपर टाइम पीरियड का फॉर्मूला क्या था, 2 पाई एम बाई क्यू बी, ये तो इंडिपेंडेंट ऑफ वी होता है बेटा मानते हो, तो इसमें फर्क पड़ता नहीं कौन सा वी लिखेंगे। पिच क्या था बेटा बताओ मुझे, पिच क्या था बता भाई अमित, सर, डिस्टेंस बिटवीन टू सर्कल्स व्हेन। हाँ ठीक है, डिस्टेंस ऐसे आता है वो, तो दो सर्कल तो सही बोल रहा है बिल्कुल, लेकिन इसको अगर इंग्लिश में लिखना हो तो हम क्या लिखेंगे बेटा इसमें, डिस्टेंस मूव्ड बाय चार्ज पार्टिकल अलोंग द मैग्नेटिक फील्ड इन वन टाइम पीरियड, ऐसे याद रख, डिस्टेंस है तो डिस्टेंस, पहली चीज डिस्टेंस मूव्ड बाय चार्ज पार्टिकल किसके अलोंग, मैग्नेटिक फील्ड के मैग्नेटिक लिए फील्ड के अलोंग, अलोंग लिखना भूल गया, अलोंग मैग्नेटिक फील्ड कितने टाइम में, इन वन इन टाइम, एक टाइम पीरियड में कितना चलता है मैग्नेटिक फील्ड के अलोंग, उसे हम बेटा क्या बोलते हैं, पिच बोलते हैं। बात समझ में आ गई बेटा? यस सर। चलो गुड है। अब सुनो बेटा, जो सीबीएसई सवाल पूछती है ना वो मैं आपको करा, वैसे खुद ही करो ज्यादा बेटर रहेगा आपके लिए, पहले ट्राई करना एक बार, या मैं कराऊं बोलो थोड़े कुछ सवाल, एक आध करा दो। चल करा देता हूँ, मुश्किल सवाल है वो करा देता हूँ, पर मैं वो निकाल लेता हूँ मैं, और सवाल
तुम्हें फोन में भेजे मैंने, मैं निकाल लेता हूँ, मैं तुम्हें सवाल करा देता हूँ, जो मुश्किल मुश्किल सवाल है मैं करा देता हूँ, आसान तुम कर लोगे अपने आप। ठीक है ठीक चलो 2020 का सवाल दो पहले। ऑब्जेक्टिव में आया 2020 में एक नंबर का, 2021 में कोई सवाल आएगा ही नहीं क्योंकि पेपर ही नहीं हुआ। ठीक है जी, तो एक चार्ज पार्टिकल है, मान लो क्या है बेटा, एक चार्ज पार्टिकल है और वो घूम रहा है, चार्ज पार्टिकल दे रखा है, वो एक्सलरेट कराया अपने, एक्सलरेट बाय पोटेंशियल डिफरेंस कैपिटल वी। ठीक है बेटा, और वो घूमता है किसमें, एंटर करता है यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में, एंटर कर रहा है यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में, तो यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में घूम रहा है बेटा वो। ठीक है, तो बेटा ये बताओ, अगर मैं घूमता है सर्कल को बेटा मानते हो, वी और बी में एंगल 90 दे रखा है बेटा, तो एंगल जो है बेटा सर्कल बनेगा, सर्कल रेडियस मान लो आर है, अगर मैं ये वी डबल कर दूं, पोटेंशियल डिफरेंस को डबल कर दूं, तो सर्कल का रेडियस क्या होगा ये पूछा हो। सवाल समझ में आया, एक चार्ज पार्टिकल को एक्सलरेट कराया किससे, मैं समझाता हूँ, उसका डायग्राम बनाता हूँ तुम्हें। मान लो यहाँ पोटेंशियल मेरे पास पॉजिटिव है, यहाँ नेगेटिव है, यहाँ से चार्ज पार्टिकल छोड़ा अपने प्लस की, वो भागेगा बेटा मानते हो, नेगेटिव की तरफ अट्रैक्ट होगा, आगे यहाँ पे क्या रखा हुआ बेटा अपन ने, मैग्नेटिक फील्ड लगा रखी है, तो बेटा मैग्नेटिक फील्ड लगा रखी है। अब मान लो ये पोटेंशियल डिफरेंस बी है, तब तो सर्कल में घूमेगा बेटा मानते हो, सर्कल किधर घूमेगा बेटा, वी क्रॉस बी ऐसे घूमेगा, यहाँ जा रहा है ये, सर्कल बनेगा ऐसे मानते हो, वी क्रॉस बी ऊपर आएगा तो सेंटर ऊपर बनेगा, तो इसका रेडियस क्या दे रखा है बेटा अपने को, आर दे रखा है, क्या दे रखा है आर रेडियस दे रखा है। अब अगर मैं पोटेंशियल डिफरेंस बढ़ा दूं, वी की जगह 2V कर दूं, तो अब जो बेटा मेरे पास आएगा रेडियस वो कितना आएगा, ये पूछा था सीबीएसई ने 2020 में, ऑब्जेक्टिव पूछा था एक नंबर के लिए, टू आर तो नहीं आना चाहिए मेरे हिसाब से, सेम तो नहीं आएगा बेटा, देख ये तो गलत बोल रहे हो, तुम्हें मैंने तीन तीन फॉर्मूले लिखवाए थे, तुम भूल जाते हो, तुम गजनी हो सारे सारे। R इज इक्वल टू बेसिक फॉर्मूला क्या था, एम वी बाई क्यू बी बेटा मानते हो, ये सबको याद होगा। ठीक है बेटा, अब ये V वेलोसिटी है, पोटेंशियल है इस फॉर्मूले में, अपने को दिया क्या है, पोटेंशियल डिफरेंस दे रखा है, तो कुछ लोगों तो सिंपल V की जगह पुट कर दिया, 2 times कर दिया, तो आंसर 2 times दे दिया, तो बेटा ये R इज इक्वल टू एम वी बाई क्यू बी में V वेलोसिटी है, पोटेंशियल डिफरेंस नहीं है। ठीक है जी, तो सुनो दूसरा फॉर्मूला हमें लिखवाया था पी स्क्वायर बाई 2 m वाला, याद करो पी स्क्वायर बाई 2 m क्या था, एनर्जी था बेटा, काइनेटिक एनर्जी पर मानते हो, लिखवाया था मैंने, तो V की वैल्यू क्या आएगी बेटा 2 E m। तीन फॉर्मूले लिखवाए थे, दूसरा फॉर्मूला ये था, तो एम वी है क्या पुट कर दूंगा बेटा मैं, 2 times E into m पुट कर दिया मैंने, बाई क्यू भी पुट कर दिया बेटा मैंने। अब ये तो हो गया मेरा रेट इसके फॉर्म में, काइनेटिक एनर्जी के फॉर्म में, लेकिन यहाँ भी क्या इस फॉर्मूले में वी आ रहा है, पोटेंशियल डिफरेंस आ रहा है इसमें, नो सर नहीं आ रहा, तो तीसरा फॉर्मूला लिखवाया था। अब इस ई को क्या लिखते हैं बेटा हम लोग, सुनो वर्क डन पर यूनिट चार्ज क्या था, पोटेंशियल डिफरेंस कैपिटल वी, तो हम इस वर्क को लिखेंगे क्यू इंटू वी, तो तीसरा फॉर्मूला जो बन जाएगा बेटा मेरे पास वो क्या था, रेडियस का ई की जगह क्या पुट कर देंगे बेटा आप, 2 times क्यू वी बाई ई को पुट कर दिया, क्यू इंटू वी बाई क्यू भी पुट कर दिया। अब बाकी सब चीज तो सेम बेटा मानते हो, क्यू भी सेम है, पी भी सेम है, एम भी सेम है, सिर्फ वी को डबल किया है, तो बेटा ये रूट 2 times बढ़ेगा बेटा मानते हो, बोलो। यस सर। यार मैंने पहले जो पहला जो रेडियस था वो था क्या,
रूट टू टाइम्स क्यू इंटू वी इंटू एम बाई क्यू भी था। अब क्या होगा, आर डैश जो आएगा वो क्या आएगा, मुझे करना क्या है, टू तो टू रहेगा, क्यू भी क्यू रहेगा, यहाँ टू भी पुट कर देना है या एम पुट कर देना है, और नीचे क्या पुट करो बेटा, क्यू भी पुट करना है, तो दोनों का रेशियो निकाल लें बेटा, तो बाकी सब तो सेम है, ये टू फालतू है, ये टू फालतू, तो रूट टू टाइम बन जाएगा, रूट टू टाइम्स रूट टू क्यू वी एम बाई क्यू भी, ये चीज क्या है, आर है, जो आर डैश होगा बेटा वो रूट टू टाइम आर होगा, बात चमकी या नहीं चमकी? यस सर। तुमने गलती क्या की, तूने तो वी मान लिया, पक्की बात है ना? यस सर, पहले में पुट कर दिया, पहले फॉर्मूले में। वी नहीं है बेटा, वो ध्यान रखो, वी तो वेलोसिटी है और इसमें दोनों कंफ्यूजन आती है, ठीक है जी? चलो अब नेक्स्ट सवाल कराऊं बेटा। यस सर। सबको आगे समझ में, ये 2020 का सवाल था, अब मैं करा रहा हूँ 2020 का एक और सवाल दे दूं, करोगे? यस सर। ये भी एक नंबर का ही है, 2020 में आया हुआ बेटा, सुनो। एक इलेक्ट्रॉन, याद रखना क्या है, इलेक्ट्रॉन है वो मूव कर रहा है अलोंग पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन, इसका मतलब क्या है, इसकी वेलोसिटी किस तरफ है? आई कैप। हाँ शाबाश, वेलोसिटी आई कैप। और मैग्नेटिक फील्ड लगा रखी है अपन ने, अपन मैग्नेटिक फील्ड लगा दी, बी बी लगाई अपन ने, माइनस जेड में क्या लगाई, माइनस जेड मतलब माइनस के कैप। तो पूछा क्या बेटा इन्होंने कि एक तो शेप बनाओ इसकी और किधर घूमेगा बेटा ये, अब बताओ मेरे को आई और के में कितना एंगल होता है? 90। हाँ देखो, तो शेप के लिए हम क्या देखते हैं बेटा, देखो शेप जो पाथ की बनती थी वो कैसे देखते थे अपना, मतलब मेरा वेलोसिटी तो एक्स की तरफ है और मेरा मैग्नेटिक फील्ड अंदर की तरफ है बेसिकली, अंदर ऐसे, तो वी और बी में कितना एंगल है, 90 डिग्री। वी और बी में एंगल 90, इसका मतलब पाथ तो कैसा आएगा, सर्कल आएगा। अब बेटा ये बताओ कि सर्कल दो टाइप से बनता है, मुझे पता है बेटा, अब ये शेप मान लो ये मेरा एक्स है, ये मेरा वाई है, अब बताओ बी किधर है, जेड में है ना, माइनस जेड, बी मेरा माइनस जेड में है, तो तुम्हें बताया था मैंने एक बात आई थी, प्लेन ऑफ सर्कल बताया था ना, प्लेन ऑफ सर्कल कहाँ बनेगा बताओ, अगर बी मेरा जेड में है तो सर्कल और प्लेन कहाँ बनेगा, एक्स वाई में, एक्स वाई बनेगा बेटा, मानते हो जो बी है छोड़ दो, तो सर्कल बनेगा तो या तो ऐसे बनेगा या ऐसे बनेगा बेटा, मानते हो, अब वो चेक करना है किस तरफ बनेगा, ऊपर वाला या नीचे वाला सर्कल, तो बताओ कैसे, तुम कैसे पता लगाओगे, सेंटर में पता लगाते हैं, सुनो हमारा फॉर्मूला क्या होता है, एफ एम इज इक्वल टू क्या था, क्यू वी क्रॉस बी, तो पहले वी क्रॉस बी निकालते हैं, वी किधर है, आई कैप, जेड, बी किधर है, माइनस के कैप, तो अपने को आई और के निकालना, आई और माइनस के निकालना, तो कैसे करें बेटा, माइनस बार निकाल लू पहले, के वाला क्या बन जाएगा, आई क्रॉस के, तो आई क्रॉस के कैसे निकालें, आई लिखो, जे लिखो, के लिखो, आई जे के, इससे तो नहीं बन रहा आई क्रॉस के, मतलब एंटी क्लॉकवाइज तो बन नहीं रहा, तो क्लॉकवाइज बनेगा, आई जे के ऐसे वाले, ये बन सकता है आई क्रॉस के, तो आई क्रॉस के की वैल्यू क्या आएगी बेटा, माइनस जे, आना बोलो, बोलो पापियो, यस सर, तो आई क्रॉस के तो माइनस जे आ गया, ऊपर माइनस साइन आई मन निकाल लिया तो क्या बन गया, प्लस जे, आना बोलो, यस सर, तो वी क्रॉस बी की डायरेक्शन क्या आई, प्लस जे आ गई। अब बेटा बताओ चार्ज पॉजिटिव है नेगेटिव है, पॉजिटिव नहीं, इलेक्ट्रॉन है, इलेक्ट्रॉन नेगेटिव, नेगेटिव, तो मैंने तुम्हें बताया था बेटा अगर चार्ज पॉजिटिव हो
एफ एम की डायरेक्शन क्या आती है, वी क्रॉस बी वाली। और अगर चार्ज नेगेटिव हो तो एफ एम की डायरेक्शन क्या आती है, अपोजिट टू वी क्रॉस बी। मानते हो? यस सर। तो वी क्रॉस बी तो प्लस जे आ रहा है, तो इसका मतलब क्या आएगा, माइनस जे। माइनस जे बोले तो नीचे ऐसे, तो सेंटर किधर आएगा, सेंटर यहाँ कहीं आएगा बेटा। तो पार्टिकल यू था तो ऐसे कुछ सर्कल बनाएगा बेटा। बात समझ में आई कि नहीं आई? ये ड्रॉ करने का बोला बेटा उन्होंने, कर पाओगे ड्रॉ ऐसे? यस सर। अब ये सवाल था एक नंबर का, से ईमानदारी से बोलो समझ में आया कि नहीं आया? आ गया सर। एक सवाल तुम करोगे इसी टाइप का, तुम सवाल करोगे? यस सर। चलो मान लो इलेक्ट्रॉन लेते हैं आपका, ठीक है, और वो जा रहा है वाई की तरफ, और मैग्नेटिक फील्ड मतलब वेलोसिटी वाई में है और मैग्नेटिक फील्ड एक्स में है, और स्टार्ट किया उसने ओरिजिन से। कहां स्टार्ट किया उसने? ओरिजिन से स्टार्ट किया। तो बेटा बताओ किधर इसका सर्कल बनेगा, कैसे, क्या, बताओ, थोड़ा दिमाग लगाओ। पहले वी क्रॉस बी निकालो। पहला स्टेप क्या बेटा, हमेशा वी क्रॉस बी डायरेक्शन निकालो। वी किधर है? जे कैप। बी किधर है? एक्स, तो यानी आई कैप। तो जे क्रॉस आई किधर आएगा बताओ? जे क्रॉस आई ऊपर मैंने बना रखा है, देखो ये सर्कल बना रखा है, जे क्रॉस आई माइनस के कैप आएगा। माइनस के कैप, माइनस के कैप आ जाएगा, ठीक है, गुड, क्या बात। तो जे क्रॉस आई तो क्या आ गया, माइनस के कैप। और चार्ज कैसा है? नेगेटिव। नेगेटिव है तो उसको पुट्ठा लेंगे, तो यानी के कैप लेंगे। बात समझ में आ गई? आना बोलो। अब बताओ प्लेन ऑफ सर्कल किधर होगा? बाहर की तरफ। प्लेन ऑफ बाहर, ऐसे मत बोल, देख बी मेरा एक्स में है ना, तो वाई जेड में, किस में होगा, वाई जेड में। बात समझ में आ गई? यस सर। अपन क्या करेंगे, अपन ये दिखा देते हैं वाई जेड, मान लो यहाँ वाई दिखा देते हैं, यहाँ जेड दिखा देते हैं, ठीक है जी। तो सर्कल इस प्लेन में बनेगा बेटा। अब बेटा बताओ सेंटर किधर है, के की तरफ, यानी सेंटर मेरा इस तरफ आएगा, के की तरफ, ऐसे मानते हो? आना बोलो। तो सेंटर इधर है तो बेटा सर्कल भी कैसे बनेगा, जेड की डायरेक्शन में, के कैप की डायरेक्शन में, ऐसे बनेगा सर। बात समझ में आ गई? बोलो बेटा। तो ऐसे सवाल कर पाओगे नहीं कर पाओगे, बोलो? कर लेंगे सर। तो पहला स्टेप क्या बेटा, वी क्रॉस भी निकालो। अगर चार्ज पॉजिटिव है तो वही डायरेक्शन ले लो सेंटर की, ठीक है, उसी तरफ आएगा सेंटर। लेकिन अगर चार्ज नेगेटिव है तो पलट दो बी क्रॉस बी को, ठीक है जी। और जिस तरफ बी है ना, मान लो बी एक्स में है तो सर्कल कैसे बनेगा, वाई जेड बनेगा, ठीक है जी। बी अगर मेरा जेड में है तो सर्कल कैसे बनेगा, एक्स वाई बनेगा। बात चमकी या नहीं चमकी? दो बातों का ध्यान रखना है, सर्कल का प्लेन और सर्कल का सेंटर। आई बात समझ में भाई? यस सर। चलो अब एक और सवाल है, मैं कराई रहा हूँ, सारे सवाल मैं कराई, तुम करोगे तो नहीं पता मेरे को, यही कर लो, टाइम तो तुम लगाते नहीं घर पे। एक प्रोटॉन है, एक इलेक्ट्रॉन है, कराऊंगा तुमसे मैं, ठीक है जी। एक प्रोटॉन है और एक इलेक्ट्रॉन है, वो ट्रेवल कर रहे हैं पैरेलल पाथ पे, पैरेलल चल रहे हैं ऐसे। एक प्रोटॉन है और एक इलेक्ट्रॉन है बेटा, 2018 क्वेश्चन है बेटा ये, और वो एंटर करते हैं बेटा यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में। किसमें? यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में वो एंटर करते हैं।
वी और बी में एंगल 90 दे रखा है, बी और बी में एंगल 90 दे रखा है, तो पूछा है किसकी फ्रीक्वेंसी ज्यादा होगी, प्रोटॉन की या फ्रीक्वेंसी पूछी बेटा, फ्रीक्वेंसी ज्यादा किसकी होगी, एक नंबर का सवाल है बेटा ये। प्रोटॉन की या इलेक्ट्रॉन की? सर रेडियस किसका ज्यादा होता है? है बेटा रेडियस किसका ज्यादा होता है इनमें से? वो भी निकाल लेंगे पहले, बार टाइम पीरियड निकाल, फिर रेडियस निकालते हैं, दोनों चीज करा दूंगा, रेडियस करा दूंगा, वो भी करा दूंगा, दिमाग लगा बस अपना थोड़ा सा। देखो फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला क्या था, वन अपॉन टाइम पीरियड बेटा, मानते हो टाइम पीरियड था मेरा 2πm/qb, तो बेटा क्यू एफ की वैल्यू क्या आ जाएगी, नीचे तो क्या आ जाएगा 2πm आ जाएगा और ऊपर क्या आ जाएगा मेरे पास qb, मानते हो बेटा? बोलो भाई। यस सर। अब बेटा ये बताओ मेरे को, दोनों में चार्ज सेम है डिफरेंट है, प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन के? चार्ज तो सेम बेटा, मानते हो दोनों एक में पॉजिटिव एक नेगेटिव, चार्ज वैल्यू तो सेम है, मानते हो चार्ज सेम, 2π सेम, मैग्नेटिक फील्ड सेम, तो एफ इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू मास सारा बेटा, मानते हो? क्योंकि इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन का मास डिफरेंट होता है, चार्ज तो सेम ही होता है बेटा, साइन अलग होता है लेकिन वैल्यू सेम ही होती है चार्ज की। बोलो। यस सर। तो मास ज्यादा किसका होता है? प्रोटॉन का। प्रोटॉन का मास ज्यादा है इलेक्ट्रॉन से, तो ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, तो मतलब मास कम होगा तो फ्रीक्वेंसी ज्यादा होगी, तो फ्रीक्वेंसी ज्यादा किसकी होगी? इलेक्ट्रॉन की। बात समझ में आई? ये सवाल पूछा उन्होंने एक नंबर के लिए, फॉर्मूला बेस्ड है, कोई खास बात नहीं है। बात समझ में आ गई? यस सर। अब तेरी बात करते हैं, जो तुमने सवाल पूछा है रेडियस का, कुछ भी पूछ ले मैं आना चाहिए। देखो सुनो, अगर रेडियस की बात करें हम लोग, जो लक्ष्य ने पूछा कि रेडियस किससे ज्यादा होगा, रेडियस होता है मास mv/qb बेटा, मानते हैं? तो देख दोनों का चार्ज सेम, दोनों की वेलोसिटी सेम, दोनों के बी सेम, तो आर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मास, तो जिसका मास ज्यादा उसका रेडियस बड़ा, तो मास ज्यादा किसका है? प्रोटॉन का, तो रेडियस ऑफ प्रोटॉन इज ग्रेटर देन रेडियस ऑफ इलेक्ट्रॉन। बात चमकी बेटा? सर मैंने फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला ना 2πr/qb इनपुट कर दिया था, तो पूछ रहा था मैं। फॉर्मूला 2πr/qb? अच्छा नहीं बेटा, आर मत ऐसे मत देखा ना, हमेशा आर की वैल्यू पुट करके फिर चेक किया कर, ठीक है समझा? ओके सर। अब बेटा एक और सवाल दे दूं, करोगे क्या? मजा आ रहा है नहीं आ रहा बोलो, कहाँ आ रहा है मजा? है ना, नया टॉपिक पढ़ा दो सर। नया पढ़ा दो, चलो एक सवाल का आया फिर करते हैं, बोर हो गए तुम लोग जल्दी है। एक सवाल था बढ़िया, हाँ 2019 का सवाल मुझे बढ़िया लगता है यार, ये तुम कर दोगे क्या एक बार? ये मैंने कराया था यार, मुझे याद नहीं करा हुआ, मैं कराया था मैंने प्रोटॉन न्यूट्रॉन अल्फा पार्टिकल एक्सक्रीट किया था सेम पोटेंशियल डिफरेंस से, सवाल कराया हुआ है ये? करवाए हैं सर दो तीन, करवाए हैं, फिर छोड़ दो, तो मेरे को अच्छा लगता सवाल बहुत ठीक था। चलो आप आगे बढ़ते हैं फिर, ठीक है भाई कर लेना सवाल, मैं सवाल बताता हूँ कहाँ से कहाँ तक करने हैं आपको सवाल, एक बार आपको प्रश्न नंबर 1 से लेके प्रश्न नंबर 19 तक करने बट, ठीक है 1 से 19 आप कर पाओगे इसके, ठीक है? ओके सर। चलो आगे बढ़, अब नेक्स्ट टॉपिक देखो सुनो, अभी हमें क्या समझ में आया बेटा, तो इस चैप्टर इस टॉपिक को पढ़ने क्या समझ में आया कि जब भी चार्ज चलता है ना और उसे रख देते हैं किसमें, मैग्नेटिक फील्ड रखते हैं, तो उस पर क्या लगती है? फोर्स लगती है। इतनी बात समझ में आई बेटा? चार्ज पार्टिकल चले उसे रख दें किसी मैग्नेटिक फील्ड में तो फोर्स लगती है। अब बताओ चार्ज चलता कहाँ पे है, तुमने चार्ज को चलते हुए कहाँ देखा है? तारों में।
तारों में, हाँ करंट। तो बेटा अगर करंट के अंदर जब करंट चल रहा है वायर में, अगर उस वायर को रख दे मैग्नेटिक फील्ड में, तो फोर्स तो वायर पे लगनी चाहिए बेटा, मानते हो? क्योंकि जब चार्ज पे फोर्स लगेगी तो चार्ज भी, चार्ज पे फोर्स लगेगी, चार्ज अगर दीवारों पे लगाएगा, मतलब दीवार कौन सी, वो वाली दीवार नहीं, बेसिकली जो वायर का जो पेरीमीटर है उसको जब फोर्स लगाओगे ना, तो इसका मतलब फोर्स लगेगी इस पे, तार पे भी लगेगी। तो नेक्स्ट टॉपिक क्या है, फोर्स ऑन अ करंट कैरिंग वायर प्लेस्ड इन मैग्नेटिक फील्ड। नेक्स्ट टॉपिक हम पढ़ रहे हैं बेटा वो क्या है, फोर्स ऑन अ करंट कैरिंग वायर प्लेस्ड इन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड। शब्दों पे ध्यान देना, मैंने लिखा यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड, मतलब फील्ड ना बदलने वाली डायरेक्शन में ना वैल्यू में। चलो अब इसको हम कोशिश करते हैं समझने की कैसे करते हैं। जैसे मान लो वायर की शेप क्या होती है बेटा, सिलेंड्रिकल। गुड, शाबाश। तो हम क्या कर रहे हैं बेटा, इसमें एक सिलेंड्रिकल वायर बना रहे हैं, ये वायर है मेरे पास मान लो, ठीक है। अब इस वायर में मान लो करंट जा रहा है बेटा इस तरफ ऐसे, और मैंने मैग्नेटिक फील्ड रख दिया ऐसे, मैग्नेटिक फील्ड मैंने अंदर लगाई बाहर लगाई बताओ, क्रॉस का मतलब क्या होता है, अंदर अंदर। अब बेटा करंट इधर दौड़ रहा है इसमें, अब बेटा बताओ वायर के अंदर मान लो इसका एरिया ए दे रखा है अपने को, और वायर की लंबाई एल दे रखी है। अगर करंट दौड़ रहा है लेफ्ट टू राइट, तो इलेक्ट्रॉन कहाँ दौड़ेंगे, राइट टू लेफ्ट, राइट टू लेफ्ट। तो बेटा ये तुम्हें समझाया था मैंने, करंट तुम पढ़ चुके बेटा, तुम्हें पता होगा कि बेटा इलेक्ट्रॉन जो है हम क्या मानते हैं, सारे के सारे इलेक्ट्रॉन जो है वो कितनी रफ्तार से मूव करते हैं बेटा, ड्रिफ्ट वेलोसिटी। याद आ रहा है, मैं भूल गया गजनियों, याद है सर। तो सारे इलेक्ट्रॉन मूव करेंगे पुट्ठे करंट से, और सबकी रफ्तार कितनी होगी बेटा, ड्रिफ्ट वेलोसिटी। इलेक्ट्रॉन मूव अपोजिट डायरेक्शन ऑफ करंट एंड विद द वेलोसिटी ड्रिफ्ट वेलोसिटी। अब बेटा अपना फॉर्मूला क्या था बेटा, देखो अगर मैं किसी एक इलेक्ट्रॉन पकड़ लूँ, किसी भी इलेक्ट्रॉन पकड़, मान लो इस इलेक्ट्रॉन पकड़ता हूँ, इस इलेक्ट्रॉन की वेलोसिटी किधर है, आई या माइनस आई, माइनस आई। तो वेलोसिटी तो बेटा इसकी माइनस आई है। मैग्नेटिक फील्ड किधर है इस पे, अंदर बाहर, अंदर। अंदर मतलब माइनस के क्या बेटा, मानते हो? तुम्हारा फॉर्मूला क्या था बेटा एफएम का बताओ, क्यू वी क्रॉस भी था बेटा, मानते हो? तो मैं फोर्स की डायरेक्शन निकाल रहा हूँ एक बार, तो वेलोसिटी तो कितनी बेटा, ड्रिफ्ट वेलोसिटी है इसका मानते हो, लेकिन बेटा डायरेक्शन की तरह माइनस आई, और चार्ज कैसा है इलेक्ट्रॉन पे, नेगेटिव या पॉजिटिव, इलेक्ट्रॉन पे चार्ज नेगेटिव है बेटा, ठीक है जी। तो पहले वी क्रॉस भी निकालते हैं, उसको पलट देंगे, आपका पलट क्यों रहे हैं, क्योंकि इलेक्ट्रॉन है, इलेक्ट्रॉन नेगेटिव तो पलट देंगे, पहले वी क्रॉस भी निकाल लें, तो माइनस आई वी हो गया, क्रॉस बी करना है माइनस के, ये हो गया, तो माइनस माइनस कट गए बेटा आपस, तो निकालना क्या बेटा, आई क्रॉस के निकालना, तो याद करो आई क्रॉस के तो जे आएगा या माइनस जे आएगा, क्या आएगा देखिए, आई क्रॉस के प्लस जे, आई क्रॉस के प्लस जे, माइनस जे, बसंती एंटी, यस बसंती, ये देख माइनस जे आएगा, ठीक है जी। तो इसका मतलब क्या है, आई क्रॉस के तो माइनस जे आ गया, माइनस जे आ गया, ये तो बी क्रॉस बी की डायरेक्शन आई है,
अब चार्ज कैसा है अपना, नेगेटिव है, तो जो वी क्रॉस बी आता है उसे पलट देंगे तो क्या आएगा, प्लस जे। तो इसका मतलब इलेक्ट्रॉन पे फोर्स किधर लगेगी, ऊपर लगेगी नीचे लगेगी, ऊपर लगे बेटा मानते हो, तो ऐसे सब पे फोर्स बेटा ऊपर लगेगी। अब सब पे फोर्स ऊपर लगेगी तो ये जाके टकराएंगे दीवारों से, इस दीवार से, तो इस दीवार पे भी फोर्स लगेगी बेटा मानते हो, आना बोलो। अब कितनी फोर्स लगेगी बेटा वो कैसे निकालेंगे, मैं अगर निकाल लूं कि एक इलेक्ट्रॉन पे इतनी फोर्स लग रही है और मुझे पता लग गया कि इस वायर में 1000 इलेक्ट्रॉन है और मुझे वायर पे फोर्स निकालनी है, तो मैं क्या करूं, एक इलेक्ट्रॉन की फोर्स निकाल लूं, उसको कर दूं मल्टीप्लाई 1000 से, क्योंकि सब इलेक्ट्रॉन मूव किससे कर रहे हैं, ड्रिफ्ट वेलोसिटी से, बी भी सेम है, चार्ज भी सेम है, तो सबसे फोर्स सेम आएगी बेटा मानते हो। यस सर, पहली चीज सारे मूव कर रहे हैं ड्रिफ्ट वेलोसिटी से, सब पे फील्ड सेम, सब पे चार्ज सेम, तो सब पे फोर्स सेम। तो मेरा अब धर्म क्या बनता है, मेरा धर्म बनता है कि मैं एक इलेक्ट्रॉन में फोर्स निकाल लूं, उसको मल्टीप्लाई कर दूं जितने इलेक्ट्रॉन इस वायर में, यही काम कर लूं बेटा, बात बन जाएगी। तो पहले मैं निकाल रहा हूं फोर्स ऑन सिंगल इलेक्ट्रॉन, तो वैल्यू देख रहे हैं बेटा हम लोग। अब बताओ बी डी और बी में कितना एंगल है, बी डी किधर है, बी डी तो मेरा माइनस आई है और बी किधर है, माइनस के, तो बताओ एक्स माइनस एक्स और माइनस जेड में कितना एंगल होता है, अरे भाई माइनस एक्स और माइनस जेड में कितना एंगल होगा, 90। अरे एक में 90 होता है, एक्स एक्स वाई ले लो, वाई जेड ले लो, तो बेटा आप देखो इसको मैं लिखता हूँ फॉर्मूला है मेरा क्यू वी क्रॉस बी, तो बेटा वी की जगह क्या पुट करूंगा बेटा, मैं चार्ज को पुट किया ई और वी को पुट किया बी डी, मैग्नेटिक फील्ड तो खैर बी है ही। अब इसको एक्सपेंड करूं बेटा तो ए क्रॉस बी क्या होता है, मॉड ऑफ ए मॉड ऑफ बी इंटू साइन थीटा, बेटा ये क्या बनेगा, ई तो बनी गया, बी डी बन जाएगा, बी बन जाएगा इंटू साइन ऑफ थीटा, थीटा किसके बीच में बेटा, कितनी वैल्यू है यहाँ पे थीटा की, तो बेटा फोर्स क्या बन गया, ई बी डी बी साइन 90, साइन 90 इज 1, बात चमकी या नहीं चमकी, बोलो बोलो भाई, ठीक है बेटा। तो एक इलेक्ट्रॉन में फोर्स निकाल लिया भाई अपन ने, अब पता है क्या करते हैं, अपने को निकालना क्या है, संख्या निकालनी है बेटा अपने को, कितनी संख्या इस वायर, तुम्हें याद होगा जब हमने ड्रिफ्ट वेलोसिटी पढ़ी थी, तुम्हें बताया था मैंने एक चीज दिखाई थी एन, छोटा एन लिखते थे हम लोग, वो छोटा एन क्या था, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पर यूनिट वॉल्यूम, क्या था, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पर यूनिट वॉल्यूम। तो मुझे चाहिए क्या, मुझे चाहिए नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन चाहिए, तो वो कैसे आएगा, एन को मल्टीप्लाई कर दो बेटा वी से, आना बोलो। Yes, तो बेटा वॉल्यूम कितनी है बेटा, इस बताओ इस वायर की वॉल्यूम कितनी है, एरिया आपको ए गिवन है, लेंथ आपको एल दे रखी है, तो वॉल्यूम क्या आएगी भाई, लंबाई एल दे रखी है, ए इंटू एल आएगा, एरिया इंटू लंबाई क्या होती है बेटा, वॉल्यूम होती है, हमेशा याद रखना, तो एन इंटू ए इंटू एल कर दो बेटा, तो क्या बन जाएगा, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन बन जाएगा बेटा। यहां तक कोई तकलीफ बेटा किसी बच्चे को, नो सर, ठीक है बेटा। तो अब सुनो, एक पे फोर्स निकाल चुके हैं, वो फोर्स कितनी है, E इंटू वी डी इंटू बी बेटा मानते हो, अब संख्या कितनी है, एक पे इतनी फोर्स है, एक पे फोर्स है E इंटू वी डी इंटू बी, तो अब इलेक्ट्रॉन कितने हैं, N इंटू ए इंटू एल, तो आप क्या करें, इसको मल्टीप्लाई करते हैं, एन इंटू ए इंटू एल को मल्टीप्लाई करते किससे, ई इंटू वी डी इंटू बी, यहां तक कोई तकलीफ बेटा, बोलो पापियों,
नो सर अभी तुम्हें याद है, देखो तुम्हें वी वाला फॉर्मूला याद है, आई इज इक्वल टू क्या होता है, वी डी ई एन ए, याद आ रहा है वी ना? यस सर। तो आपको वी ना दिख रही है यहाँ पे, वी दिख रहा है आपको, ई दिख रहा है, एन दिख रहा है, ए दिख रहा है, तो इसे आई कर दे बेटा। यस सर। तो ये क्या बन जाएगा, आई एल बी, या तो आई एल बी याद रख लो या बिल याद रख लो। अगर तुम चूहे हो तो बिल याद रखो, ठीक है जी, चूहे बिल में घुसते ना, या फिर आई एल बी याद रखो, जो मर्जी याद रख लो, याद रखना पड़ेगा। बात समझ में आई? तो फोर्स जो लगती है किसी वायर में, अगर रखते हैं बेटा उसको किसमें, मैग्नेटिक फील्ड में, तो उसकी वैल्यू तो आती है आई एल बी। मान लो वायर में करंट आई है, लंबाई उसकी एल दे रखी है और मैग्नेटिक फील्ड दे रखी है, तो क्या आप फोर्स निकाल लोगे? बोलो भाई। अरे बोलो तो सही पापियों। यस सर। तो बेटा ये डेरिवेशन सीबीएसई पूछती है, आपको आनी चाहिए, लिख लो इस पे डेरिवेशन है और ये सीबीएसई पूछती है। पांच नंबर में नहीं पूछती, दो या तीन नंबर में पूछती है, लेकिन आपको आनी चाहिए, मैक्सिमम तीन नंबर, मिनिमम दो नंबर। लिख पाओगे क्या लिखोगे बेटा इसमें? इसमें क्या लिखोगे? सारे इलेक्ट्रॉन करंट से अपोजिट दौड़ते हैं, पहली चीज। कितनी रफ्तार से दौड़ते हैं बेटा? ड्रिफ्ट वेलोसिटी दौड़ते हैं। अब हम जानते हैं कि इलेक्ट्रॉन चार्ज पार्टिकल जब दौड़ता है किसी मैग्नेटिक फील्ड में तो फोर्स लगती है। उसका फॉर्मूला क्या है बेटा? क्यू वी क्रॉस वी। आपने रफ्तार लिखी, वी बी तो क्या था, वी डी बन गया, वी डी क्रॉस बी बना मेरे पास, तो वी डी और बी में कितना एंगल है? 90 डिग्री। तो 90 को साइन 91 पुट किया तो एक पे फोर्स निकल गई। फिर आपने क्या निकाला, कितने इलेक्ट्रॉन है, वो कैसे निकाला? एन का फॉर्मूला लिखा आपने। एन का फॉर्मूला क्या था? नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पर यूनिट वॉल्यूम। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन निकालना तो क्या आएगा, एन इंटू वॉल्यूम आएगा, तो वॉल्यूम क्या है, एरिया इंटू लेंथ। तो ऐसे मल्टीप्लाई करके अपन ने फॉर्मूला निकाल लिया। कोई तकलीफ है बताओ इसमें, बताओ डेरिवेशन में? नो सर। अब बेटा ये तो हो गया स्केलर फॉर्म, क्या हो गया इसका, स्केलर फॉर्म फॉर्मूला, मतलब आपने वो सिर्फ वैल्यू बताएगा, इसमें डायरेक्शन बताएगा। अपने को डायरेक्शन निकालनी हो तो एक वेक्टर फॉर्म आता है, क्या आता है इसका, वेक्टर फॉर्म, वो भी लिख के आना पड़ेगा कि ये स्केलर फॉर्म है। वेक्टर फॉर्म जो बेटा इसको ऐसे लिखते हैं, सुन, आई लिखा, बताओ करंट स्केलर है वेक्टर है? स्केलर होता है बेटा, ठीक है जी। तुम क्या लिखते हैं, आई एल क्रॉस बी लिखते हैं, वेक्टर फॉर्म में क्या लिखेंगे, आई एल क्रॉस बी। अब आप लोग पूछोगे भी एल की डायरेक्शन क्या लें, भाई मैग्नेटिक फील्ड डायरेक्शन दे रखी होगी, एल की डायरेक्शन क्या लें, तो एल की डायरेक्शन बेटा क्या लेते हैं हम लोग, डायरेक्शन ऑफ करंट। जो करंट की डायरेक्शन है बेटा वो एल की डायरेक्शन ले लो। तो आप करके देखो बेटा, अपना हाथ घुमाओ, ऊपर वाला केस देखो बेटा, हमें पता है ऊपर वाले केस में बेटा क्या था, फोर्स किधर लगा था, ऊपर लगा था नीचे लगा था? ऊपर। अब एक काम करो बेटा, सुनो, देखो करना क्या है, करंट की डायरेक्शन में हाथ रखा बेटा, क्योंकि देखो एल क्रॉस बी करना है, एल क्रॉस बी करना है, एल की डायरेक्शन क्या है करंट वाले बेटा, मानते हो? अपना सीधा हाथ लो और स्क्रीन के सामने रखो, ऐसे उंगलियां अंदर घूम रही, घूम रही बताओ, घूम रही अंदर बेटा, मानते हो? सब लोग अपना हाथ रखो ऐसे करंट की डायरेक्शन में और उंगलियां पूरी घूम रही है, नहीं घूम रही अंदर, बोलो घूम रही है बेटा। तो जिस तरफ अंगूठा पॉइंट करेगा बेटा उस तरफ क्या आएगी, फोर्स की डायरेक्शन आएगी। बात चमकी या नहीं चमकी, बोलो? यस सर। तो ये इसका वेक्टर फॉर्म है। अब इसके सवाल हम कल करेंगे बेटा, ठीक है, टाइम हो गया हमारा, ठीक है। तो तुम्हें 19 सवाल दिए मैंने करने के लिए, तो वो तो कर लेना। दूसरा क्या है, इसके सवाल मैं कल करा दूंगा, टॉपिक आसान सा है, मुश्किल सवाल नहीं बनते। जो आज समझाया समझ में आया बेटा? Yes, कल मुझे सवाल चाहिए 19 के, सुन लो, ज्यादा मुश्किल नहीं है, ठीक है, कल डाउट लूंगा, उसका करके आना प्लीज। ओके सर। ओके सर। चलो बेटा फिर कल मिलते हैं, ठीक है, बाय बेटा।